ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, 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 अकबर का जन्म। मेरे बच्चे रेडी है एग्जाम के लिए? यस मॉम। क्या हुआ, एग्जाम से डर लग रहा है? नहीं, पीरियड। मैथ से भी ज्यादा टफ, साइंस से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हिस्ट्री से भी ज्यादा खतरनाक। हम लड़कियों को देना पड़ता है हर मंथ पीरियड्स का एग्जाम, जहाँ डर रहता है पेनफुल क्रैम्प्स का, एंजाइटी का, हैवी ब्लीडिंग का, ध्यान क्वेश्चन से ज्यादा स्कर्ट पर दाग न लग जाए इसका रहता है, और जमाना कहता है छोड़ो एग्जाम, घर बैठ जाओ। ऐसे कैसे बैठ जाएं, इस पीरियड्स के एग्जाम में भी तो फर्स्ट आना है। हे भगवान, पास करा देना, हे भगवान, पास तो हो जाएंगे ना। अरे स्टार्ट करो, और नो चीटिंग। हे भगवान, पास करा देना, हे भगवान, पास। चलो यार, थोड़ी देर सो लेता हूँ। सर जी तो सो गए, चलो भगवान से हेल्प लेती हूँ। भगवान, पीरियड्स भी अभी आने थे क्या? सर को तो बता भी नहीं सकती, क्या करूं? सपना, मेरे पास पैड नहीं है। अगर आपको भी पीरियड्स में इमरजेंसी हो जाए तो इस तरह से सॉक्स लो और टिश्यू पेपर का रोल ले लो, ये तो वॉशरूम में होते ही हैं, और फिर इसे इस तरह से चार बार फोल्ड कर दो और फिर सॉक्स के अंदर डाल दो, कुछ ऐसे। अब सॉक्स को एक बार और फोल्ड करो और उसके ऊपर एक और रोल लपेट दो अच्छे से टिश्यू पेपर का, और फिर पैंटी पे लगा दो। बस अब इसे आप यूज कर सकते हो और लीकेज भी नहीं होगी, और इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा हैक है। मैं बैठ जाऊं? बैठो। मैम, आप इतना काम कर रहे हो, थक जाते होंगे ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो आप। हाँ, पहले तो स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ, और उसके बाद खाना भी बनाओ। तो फिर आप आज हम सब बच्चों को छुट्टी दे दो ना। तुम क्यों खड़ी हो गई, बैठ के पढ़ाई करो। और छुट्टी कैसे दे दूं, एग्जाम है कल तुम्हारा। तो मैम, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दे दो। फिर ये सब्जी काटो। ओके मैम। मैम, हो गया। बर्तन। अरे ये क्या फदमूल ले ली। मैम, हो गया। झाड़ू, झाड़ू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अबे ये क्या कर रही है? अबे पागल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जुगाड़ हो गया है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तू जाके फटाफट से ना डस्टिंग कर ले, ठीक है, जा। नहीं यार, पीरियड्स का सेकेंड डे है, दाग भी लग गया है देख, एंड ओवरफ्लो, यू नो ना। अबे
इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। ये ले, ये बांध ले, और नेक्स्ट टाइम से आप भी पीरियड्स में दो दो पैर लगाना अफोर्ड नहीं कर पाते तो ये हैक सिर्फ आप ही के लिए है। इसके लिए चाहिए आपको ऐसे एक कपड़ा और उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, और फिर पैंटी के ऊपर पैड को लेके नॉर्मली जैसे आप पेस्ट करते हो वैसे ही करना है, बट पीछे की साइड से ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और यहाँ पे लगा देना है इस कपड़े को और फिर नॉर्मली पेस्ट कर देना है। अब कितना भी ओवरफ्लो कोई टेंशन नहीं है और पैसे भी बचेंगे। बस पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हाँ यार, रोज बस लेट आती है और मम्मी खामखा मुझ पे शक करती रहती हैं। तूने आज के पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ यार, किए तो सारे हैं और पता नहीं मार्क्स कितने आएंगे। ओए, मेरी स्कर्ट पे स्पॉट तो नहीं लगा ना? स्पॉट तो नहीं है यार, मुझे लग रहा है ना मैं डाउन हो गई हूँ आज। पेपर की वजह से ना मैं बैग भी नहीं लाई और पैड भी उसी के अंदर था। अब क्या करूं यार? तेरे बस की ना कुछ भी नहीं है, तू चल मेरे साथ। ये तेरे पास पैड कहां से आया? बैग तो तेरे पास भी नहीं है। मेरे पास हमेशा पैड रहता है। अगर आपके पास भी पैड कैरी करने के लिए जगह नहीं है तो आप इस तरह से पेंटी में हैक कर सकते हो। सबसे पहले लेनी है आपको पेंटी और फिर पैड का साइज देख लेना है, फिर लेना है एक कपड़ा और उसको कट कर लेना है साइज के अकॉर्डिंग और स्टिच कर लेना है। बस अब इसमें आप अपना पैड रख के कैरी कर सकते हो और आपको बैग ले जाने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू यार, बस अभी तक नहीं आई। चल एक काम करते हैं, अब पैदल ही चल लेते हैं। हाँ चलते हैं। ओए, बस 15 मिनट बचे एग्जाम स्टार्ट होने में, जल्दी चल। अनु, पहले ना हम वॉशरूम चलते हैं। हाँ मुझे भी जाना है। अबे तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है? तेरी स्कर्ट पे ना पीरियड का स्टेन लगा है। ठीक है वॉशरूम चलते हैं। हाँ। अरे यार ये तो ऐसे जाएगा ही नहीं, इसका दाग। रुक अभी आती हूँ। अरे नमक कहाँ गया? ये ले। पीरियड स्टेन के दाग नॉर्मली नहीं जाते हैं तो हमें लेना है सॉल्ट और इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, और उसके बाद हमें लेना है डिटर्जेंट और अगेन हमें वॉश करना है अच्छे से, और देखिए पीरियड स्टेन के दाग एकदम चले गए। डन। बस 2 मिनट बचे हैं, जल्दी चल। यार एक तो पीरियड्स का पेन, ऊपर से एग्जाम। कल तो दीदी को मैथ का एग्जाम भी नहीं है, फिर ये इतना इरिटेट क्यों हो रही है? इसे भी अभी खाली होना है। करेगी, मम्मी से बताता हूँ जाके। अगर आपके पास भी हॉट वाटर बैग नहीं है और पीरियड्स में क्रैम्प्स का दर्द हो रहा है तो आप इस तरह से एक पैन में पानी उबाल लो और कोई भी हैंकी या छोटा सा फैब्रिक ले लो और उसे पानी में डिप कर दो। अब इस गरम हैंकी को आपको डालना है एक जिपलॉक बैग में और रेडी है आपका DIY हॉट वाटर बैग। अब इससे आप अपने पेट की सिकाई कर सकते हो और क्रैम्प्स का दर्द भी सही हो जाएगा।
मम्मी मम्मी जितनी जितनी नशे कर रही है मैं अभी भी देख के आया हूँ उसके बॉस हैंकी था और फ्लोर भी जरूर होगा मैं कह रहा हूँ। ए भगवान कहीं वो एग्जाम के टाइम से तो नशे नहीं करी? अगर वो नशे करेगी तो पढ़ाई कब करेगी और पढ़ाई नहीं करेगी तो फेल हो जाएगी और फेल हो जाएगी तो उसके फ्यूचर का क्या होगा? जल्दी चलो कौन नशे कर रही है कौन? तू कर रहा है कल इंग्लिश का पेपर है और तू मैथ्स पढ़ रहा था और मेरी बच्ची को बोल रहा है देखो पढ़ाई कर रही है। टाइम खराब कर दिया मेरा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो आपकी फेवरेट टॉपिक पे? ओए रुक जाओ मुझे तो आने दो मेरे बिना उठ रो इसने चेंज भी कर लिया। बहुत तेज हो रही हूँ बेटा मैं बहुत तेज हूँ। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और वो देखो हिमानी कैसे चिल कर रही है वीडियो बनने के बाद। ये यही करती है हिमानी। तो गाइस इन सब पता चलता रहेगा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय।